किसी भी देश के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री प्रमुख होते हैं और उनकी सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। सुरक्षा तंत्र में किसी भी तरह की गड़बड़ी का देश पर भयानक असर पड़ सकता है। वैसे तो पीएम के सुरक्षा का जिम्मा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी का होता है, लेकिन जब प्रधानमंत्री किसी दौरे पर होते हैं तो राज्य की पुलिस भी उनकी सुरक्षा की जिम्मेदार होती है। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के पहले लेयर में एसपीजी बॉडीगार्ड होते हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के पास होती है। पीएम के बॉडीगार्ड को शौर्य चक्र उत्कृष्ट सेवा के लिए 43 राष्ट्रपति पुलिस पदक और सराहनीय सेवा के लिए 323 पुलिस पदक प्रदान किए जाते हैं। पीएम का बॉडीगार्ड यानी एसपीजी का जवान आधुनिक हथियारों जैसे SFNF 2000 असॉल्ट राइफल, स्वचालित बंदूकें और कुछ खतरनाक पिस्तौल जैसे 17M से लैस होते हैं। एसपीजी कमांडो के फोर्स में शामिल होना जितना मुश्किल है उतना ही कठिन भी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी पोस्ट होने के साथ साथ बहुत ही जिम्मेदारी का काम भी है। इस फोर्स में शामिल होने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है जो देश की सबसे कठिन ट्रेनिंग में से एक है। एसपीजी में शामिल होने वाले उम्मीदवार पहले से ही स्पेशल फोर्स में काम कर चुके होते हैं, उसके बाद भी शामिल होने वाले उम्मीदवारों को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। ये वही ट्रेनिंग है जो यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को दी जाती है। एसपीजी कमांडो को फिट, चौकस और टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाया जाता है। पीएम की जिम्मेदारी होने के नाते एसपीजी का एक एक कमांडर वन मैन आर्मी होता है। अब जरा सोचिए, इतनी मोटी लेयर सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद अगर कोई पीएम तक पहुंचने की कोशिश करे तो सबके होश फाकता होना जायज है। पीएम मोदी की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों के होश उस वक्त उड़ गए जब एक युवक भागता हुआ पीएम मोदी के पास आने लगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक हो गई जिसकी वजह से बवाल हो गया। वाकया वाराणसी में रुद्राक्ष सेंटर के बाहर का है। प्रधानमंत्री का काफिला यहां से एयरपोर्ट के लिए रवाना ही हुआ था, इसी दौरान एक लड़का उनके काफिले के आगे कूद गया। वो पीएम की गाड़ी से बमुश्किल 10 फीट की दूरी पर था। पीएम मोदी के कमांडोज के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, लेकिन पलक झपकते ही उसे धर दबोचा गया। पुलिसकर्मियों ने उसे दौड़ा कर पकड़ लिया। एसपीजी उसे पूछताछ कर रही है। आप देख सकते हैं कि लड़के ने सफेद शर्ट पहन रखी है और उसने गले में आई कार्ड डाल रखा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि युवक भाजपा का कार्यकर्ता है। वो गाजीपुर जिले का रहने वाला है। सेना में नौकरी की मांग को लेकर पीएम से मिलना चाहता था। हालांकि इस बात की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। उसे सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां पूछताछ करके उसके पास से बरामद हुए कागजात देख रही हैं। उसके नाम और पते की भी तस्दीक की जा रही है। पूछताछ में सामने आए तथ्यों के आधार पर युवक के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।